हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द सेशन। सो आज की सेशन में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, लेट मी टेल यू दैट इन दिस चैनल यू विल बी गेटिंग ऑल सीबीएसई रिलेटेड अपडेट्स, क्विक सॉल्यूशन टू द एनसीईआरटी क्लास 9th 10th मैथमेटिक्स, एंड वी विल बी सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज एज वेल, सो दैट आवर प्रैक्टिस इंप्रूव्स। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड like the video and share among your friends. So let's get started. So this is question number 6 of NCERT exercise 8.1, as you can see over here. So in this question, what is given? It is given that if angle A and angle B are the acute angles. Now, what are the acute angles? The angles which are less than 90 degree, we call it as an acute angles, right? Angle between 0 degree and 90 degree, we call that acute angles, right? So also it is given that cos A is equals to cos B. ये हमें दिया हुआ है कि cos A cos B के इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए और एंगल बी भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो एंगल्स की बात है और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात है, तो हमें कौन से ट्राइंगल चाहिए? हमें चाहिए एक राइट एंगल ट्राइंगल। बट आपको ये ध्यान रखना है नेमिंग करते समय कि ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल्स है। सो यहाँ पे बी मत लिख देना, क्योंकि जनरली हमारी हैबिट क्या होती है, हम ए बी सी लिख देते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल मतलब वो 90 डिग्री से कम होंगे। सो एक एंगल तो 90 डिग्री होता है इन राइट एंगल ट्राइंगल, अदर टू आर एक्यूट एंगल्स। सो हम यहाँ पे ए लिखा, यहाँ बी लिख देते हैं और इसको हम लिख देते हैं सी। सो दिस एंगल ए एंड दिस एंगल बी, वी हैव टू प्रूव दिस टू एंगल्स टू बी इक्वल। इतना क्लियर हुआ? नाउ व्हाट इज गिवन टू अस, पहले वो नोट कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि कॉस ए जो है दैट इज इक्वल्स टू कॉस बी। ठीक है, कॉस ए जो है कॉस बी के इक्वल है। और कॉस का रेशियो क्या होता है, जल्दी से याद करेंगे वो ट्रिक पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, ये बहुत हेल्प करेंगी। मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप जो है यू नो कंफ्यूज ना रहे रेशियो के साथ। अगर आपने गलत रेशियो यहाँ पे पुट कर दिया, पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। सो मैं एग्जाम टाइम में भी आपको प्रेफर करूंगी कि आप इसको नोट कर ले, दो यू हैड इन कॉन्फिडेंस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको रेशियोज याद है तब भी आप नोट करो या नहीं करो, बट रेफरेंस के लिए लिखा होगा तो आप जल्दबाजी में मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, सो दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। अब देखो, कॉस ए की बात करेंगे तो बेस कुछ और होगा, कॉस बी की बात करेंगे तो बेस चेंज हो जाएगा। एज आई टोल्ड यू कि परपेंडिकुलर और बेस कंप्लीटली डिपेंड करते हैं ऑन द एक्यूट एंगल दैट वी आर अज्यूमिंग और वी आर कंसिडरिंग। ठीक है, सो एंगल ए की जब मैं बात करूंगी तो उसके लिए बेस क्या होगा, एंगल ए की एडजेसेंट साइड, या फिर हम कह सकते हैं एंगल ए के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये तो हाइपोटेनस फिक्स रहता है, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, सो एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, ये वाली, मतलब एंगल ए के साथ वाली साइड जो होगी वो उसका बेस का काम करेगी फॉर एंगल ए। बट जैसी मैं बात करूंगी एंगल बी की, तो वहां पे बेस क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, हमारा बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाएगी। सो अगर मैं एंगल बी की बात करूंगी तो बी के सामने वाली साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर और उसकी एडजेसेंट वाली साइड बन जाएगी बेस। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सो कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, बट कॉस ए के लिए बेस क्या होगा, ए सी, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए सी अपॉन हाइपोटेनस, तो ए बी है, ए बी को नोट कर देते हैं, इज इक्वल्स टू कॉस बी के लिए, कॉस बी के लिए बेस क्या होगा, बी सी। ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, ए बी। ऑलराइट, चलिए। सो अगर मैं यहाँ पे ए सी अपॉन ए बी है, अगर मैं इस वाले ए बी को, इस ए बी को इस साइड ले आऊं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है, ये किसके इक्वल से हो जाएगा, बी सी के। नाउ वी कैन कैंसिल आउट दिस ए बी एंड ए बी, सो हमें रिजल्ट में क्या मिला कि ए सी इज इक्वल टू क्या है, बी सी है। यानी ए सी और बी सी आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब ये ट्राइंगल कैसा हो गया, आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोस्केलेस ट्राइंगल कैसा होता है, जिसमें दो साइड से दो एंगल्स इक्वल होते हैं। और आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, दिस इज एन प्रॉपर्टी ऑफ एन ट्रायंगल। सो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में बात करूं तो बीसी के अपोजिट साइड कौन सी, बीसी के सामने, सॉरी, बीसी के अपोजिट एंगल कौन सा है, बीसी के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, एंगल ए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंगल ए। ठीक है, और एसी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एसी के अपोजिट जो एंगल है वो है एंगल बी। यानी एंगल बी और एंगल ए आपस में इक्वल, देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर हो गया? सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6।
चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 7/8. आपको इवेल्यूट करने दो पार्ट्स, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. कॉट थीटा दिया हुआ है तो आप उसको नोट कर सकते हो कि कॉट थीटा होता क्या है 7/8, और कॉट थीटा का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है. अगर आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो ये क्या होता था, साइन, ये होता था कॉस, ये टेन, और टेन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट आता था, यहाँ पे आता था सेग, यहाँ आता था कॉसेक. तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. क्लियर. नाउ ये क्या डिनोट करता है कि बेस क्या होगा, 7K हो सकता है, 7x, मतलब कोई भी वेरिएबल कंसिडर कर लोगे, क्योंकि ये हम रेशियोज को जब भी कंसिडर करते हैं डायरेक्ट फॉर्म में, सो हम कोई ना कोई वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है. सो बेस क्या हो जाएगा यहाँ से 7K हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 8K हो जाएगा. तो हम हाइपोटेनस इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. मैं आपको उसके दो तरीके बताऊंगी सॉल्व करने के. वन इज दिस वन जो कि ब्रीफ है थोड़ा सा, अनदर वन इज वेरी शॉर्ट. थोड़ा सा ध्यान करना है इस क्वेश्चन पे बस, ठीक है. सो वो भी बताऊंगी मैं, बट अभी चलते हैं बेसिक से ताकि आप कंफ्यूज ना हो. सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो परपेंडिकुलर कितना है, 8K इसका स्क्वायर हो जाएगा, और बेस कितना है, 7K इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. सो दिस विल बी 64K स्क्वायर, एंड 7 7 जो कितना होता है, 49K स्क्वायर. इनको ऐड करेंगे, 4 और 9 कितना होगा, 13, कैरी 1, 6 1 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11, यानी 113K स्क्वायर आ गया. सो 113 कोई भी परफेक्ट रूट तो नहीं है. सो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, √113 और के, ठीक है. अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, आप इस पार्ट, ये पार्ट इतना लेंदी लग रहा है ना, आप थोड़ा सा इसको पहले कंप्रेस करोगे. कैसे करोगे, जैसे आप देखोगे 1 प्लस लाइक साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए. अगर नहीं कर रहा है तो प्रैक्टिस करो कि आप क्लिक करने लगे चीजें, ठीक है. ए माइनस बी, या फिर मैं लिखूँ ए प्लस बी, ए माइनस बी, हम क्या पढ़ते आ रहे हैं क्लास 7 8 9 पढ़ते आ रहे हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल्स होता है, ठीक है. तो ये भी तो वही फॉर्म है ना, ए बी दोनों सेम है, एंड एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ नाउ द फर्स्ट पार्ट. सो वी कैन राइट दैट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा. ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1 स्क्वायर, यानी 1 लिख देती हूँ, चलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है. एंड ये हो जाएगा अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज ओवर हियर. मैं आपको बताया था ना दो तरीके हैं, वो देखो. पहला तो तरीका ये है कि आप सिंपली यहाँ से साइन और कॉस की रेशियोज निकालो, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं. साइन का रेशियो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, और कॉस का रेशियो क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. का रेशियो निकालो और उसकी वैल्यूज को पुट कर दो, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा. मैं आपको दोनों का डिफरेंस भी दिखाऊंगी. वन सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर. ओके, सो साइन थीटा पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. चलो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 8K. तो मैं K तो कैंसिल हो जाएगा ना, रेशियो लिखते समय डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ 8 अपॉन √113, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है. अब कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है. तो बेस कितना है, 7K, तो मैं भी इसका 7 लिख लेती हूँ, इसका √113 लिख देती हूँ. अब जब आप यहाँ पे पुट करोगे वैल्यूज, तो ये क्या बनेगी, 1 माइनस 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिनोमिनेटर बन जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर, ठीक है. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 8 इज कितना होगा, 64. यस सही है, 1 माइनस 64 अपॉन 113, ठीक है. इसका इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा. चलो अब रूट हटा दो, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये वो वैल्यूज चेक कर ले. साइन थीटा ठीक लिखा है ना, परपेंडिकुलर 8K था, कॉट दिया हुआ है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, ठीक है, क्लियर. चलिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है. इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे आप,
एलसीएम लोगे हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113, और ये हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो ये 113 113 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सेम डिनोमिनेटर से, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करो इसको, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 49 और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा 64, ठीक है। सो आपका आंसर कितना हो जाएगा 49 अपॉन 64। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड मेथड की। ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड जिसको हम बोल सकते हैं ब्रीफ मेथड, जिसको आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो इसीलिए क्योंकि अभी आपने हो सकता है आइडेंटिटीज ना पढ़ी हो, लेकिन अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख रखा है आपको आइडेंटिटीज पता है। मैंने थ्री आइडेंटिटी आपको नोट करवाई थी, एक करवाई थी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है। तीन आइडेंटिटी आपको याद करने को बोला था, उसमें से एक आइडेंटिटी ये भी थी, ठीक है। आप उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखो क्वेश्चन कितना मिनटों में हो जाएगा, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी ना कुछ जरूरत पड़ेगी। तो जब भी आप सिंप्लीफाई करने बैठो, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखे, पहले आप ट्राई करो कि ऐसे बड़े टर्म को जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट में कन्वर्ट कर लो, फिर अगर वैल्यूज कुछ पुट करनी पड़ रही है तो करो। अदरवाइज कितनी बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन में से ही आंसर मिल जाता है। देखिए कैसे बताती हूँ मैं आपको, सी सो लेट मी चेंज द कलर। ओके नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेकेंड पार्ट। इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूंगी, ठीक है। यहाँ तक तो सॉल्व करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, यहाँ से बताओ। ये साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं इस साइड ले आऊंगी तो क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये हो जाएगा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस में ले जाऊंगी तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है कि टेन थीटा का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बनता है, कॉट थीटा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के, और कॉट थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, यानी कितना हो जाएगा, 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, जिसका आंसर कितना आएगा, 49 अपॉन 64। यही इन्होंने क्या पूछ लिया, सेकेंड पार्ट पूछ लिया है, सेकेंड पार्ट भी तो यही था, ठीक है। सो मतलब फर्स्ट का सेकंड का आंसर तो सेम है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में ऐसा कोई पार्ट मिलता है मे बी इन द एमसीक्यूज या कुछ, तो आप इस तरीके से अपनी यू नो फास्ट ट्रिक यूज कर सकते हो, क्योंकि तब तक आप चैप्टर पूरा पढ़ चुके होंगे। सो मैंने ब्रीफ वाला पार्ट इसलिए बताया क्योंकि बच्चों को हो सकता है आइडेंटिटीज अभी याद ना हो, क्योंकि आइडेंटिटीज आपकी पहले एक्सरसाइज में कहीं पे भी यूज नहीं हो रही है, वो आगे चल के यूज होगी लास्ट एक्सरसाइज में। लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगी कि आइडेंटिटीज जो भी मेरे दो पार्ट थे इंट्रोडक्शन के इस चैप्टर के, उसको पहले देख लो और फिर अपने खुद के थॉट्स लगाओ, बिकॉज मैथ डू नॉट डिपेंड ऑन वन मैथड, इट हैज इनफाइनाइट मैथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके सो लेट्स मूव ऑन। सो सेकेंड पार्ट मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल इफ यू वॉन्ट आई कैन डू इट। इट इज जस्ट सिंपल क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट थीटा की वैल्यू पुट करो, 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर कर दो, सो आंसर कितना आ जाएगा, 49 अपॉन 64। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। सो आज के सेशन में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में अगले क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।